इसका बदल मैं दूंगा सजा, ये सजावार है हुक्म फांसी के सरवर को देता हूं मैं, कल सुबह हो तो इसको मिले दार है। लग रहा है कि ठाकुर विक्रम सिंह बस्ती की तरफ गए हुए हैं, लग रहा है कि उन्हीं के घोड़े की आवाज आ रही है। मंत्री भाई तो क्रोध में एकदम बावला हो रहा, क्रोध में एकदम क्रोध में एकदम बावला हो रहा, आने का कुछ सबब है बताता नहीं, खींच तलवार क्यों सामने है खड़ा, मौत लाई है तुझको जहां की तो मीठी बातों में मुझे बनावे नहीं, मीठी कर दो अब हमारे में नहीं, जंग का वरना महाराज तो तुम ताज को नाम कर चलिया तब जर है नहीं, तू जहां से मिटा नाम तू जन्मरा, इस जहां में लगेगा ठिकाना तो वीरता वीरता कर्म में तू मिला, वीरता काट कर बोटी बोटी तेरे जिस्म की, मांस कुत्तों को तेरा खिलाऊंगा तो कर फुदामों में पल है गजब का भरा गरी, कुछ न पा पाएगा मूर्ति की धुदम भेजूं।
आई हुई बिल्ली हमें सुनाओ, तैयार हो जा। राजा दुर्जन सिंह, मैंने उसी दिन अपने दिल में ठान ठानी थी कि जब तक हम तुम्हारी शान को मिट्टी में नहीं मिलाएंगे, हम चैन से नहीं बैठेंगे। आज हम तेरे शरीर कितने टुकड़े करेंगे, तेरे खानदान वाले के लिए। महाराजा दुर्जन सिंह, ख्वाब देखना बंद कर दो, ख्वाब कभी सच्चे नहीं होते। और तुम भी जागती आंखों का ध्यान हो जाए, तैयार हो जाए। कभी पूरी नहीं होगी महाराजा, कभी पूरी। हम लोग धोखे की रोटी खाते हैं। कब तेरे को देखूं, कान खोल कर चले, हमारी बात दिमाग में उतार लो। देखा नहीं, देखा नहीं। मैंने कहा ना, तुम दोनों ने कुछ देखा नहीं? देखा कौन? ऐसा सारे पिछवाड़ा में ठोकेंगे कि जिंदगी झंड हो जाएगी, समझे? महाराज की लाश को उठाओ और किसी झाड़ी में फेंक दो। ले चलो, ले चलो। महाराज की लाश उठाए और किसी झाड़ा में फेंक। अभी हमारी कौन सी राजनीति रे, गिनती गिने हो? गिनती ये अक्की सातवीं राजनीति है। मैंने तुझसे उस दिन कहा था कि मंत्री पद से मेरा मन उब गया है, उब गया है। अब हम वही करेंगे जो हमारे दिल में है। दिल में मैंने वादा किया था कि महाराज किसान को मिट्टी में मिलाएंगे, और मिलाई दिए हम इन किसान को मिट्टी में। अब देख, आठवीं राजनीति, आठवीं राजनीति। अब इसी वक्त हम चलते हैं राजकुमार आकाश बाबू के पास। आठवीं राजनीति, और इसी वक्त कहाँ चलते हैं? आकाश बाबू के पास, यानी महाराज के बेटे आकाश के पास। वहाँ क्यों चलते हैं? देखता जा कि हम कौन कौन सी चाल चलते हैं। हमारी चाल बहुत अजीब है। अच्छा, चाल चाल अलबा है। जी हाँ, हम कभी इधर चलते हैं, कभी उधर चलते हैं। हम जो भी काम करते हैं, निशान बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं, समझे ना? लाश उठा और हमने कहा था काश के पास। दरबारी आ गया बाबू, समय से ड्यूटी देते रहो। हाँ, क्यों नहीं? और अगरचे मेरा दोस्त सर्वर आता है तो हमें हमारे तक जरूर लेकर के आना। बहुत अच्छी बात है। What?
क्या कहा? शर्वर जेल से भागकर आपके पिता महाराजा दुर्गा जी का खून कर दिए हैं। अरे तो कर सकता नहीं शर्वर महाराजा। ऐसा कर सकता नहीं सरवर में रार। और हम तो लोटे बीच में भाई भाई का प्यार। यानी कि तुम्हारे दोनों में भाई भाई का प्यार है? हाँ मुझे। और तुम्हें इतना बड़ा विश्वास है कि वो तुम्हारे पिता का खून नहीं कर सकता हूँ। जानते हो आकाश बाबू, अनवर खान ने उसे जेल से निकाल दिया और कहा जाओ इसी वक्त तुम महाराजा दुर्जन सिंह का खून कर दो। अगर मेरी बात पर विश्वास ना हो तो दरबारियों से पूछो कि वो जेल से भाग कर महाराजा दुर्जन सिंह का खून कर दिया। सच है? सच है, कर दिया। मतलब गया होगा तो कहां तक गया होगा? आकाश बाबू, मैं उस पिता परमेश्वर की सौगंध खाकर कहता हूं, मैंने उसे भागते हुए अपनी आंखों से देखा है, लेकिन करता क्या, मजबूर था क्योंकि वो भागने में सफल हो गया। इसीलिए तो मैं भागकर आपके पास आया हूं। और अगर वो भागा है तो कहीं नहीं जाएगा, वो अपने घर जाएगा। इसी वक्त उसके घर को चारों तरफ से घेर लिया जाए और उसे अरेस्ट कर लिया जाए। मंत्रीवर, अगर चे मुझे मिल गया ना तो मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। आइए देखा रही है हमारी आठवीं राजनीति। ये अब देख हम नवी राजनीति खेलने जा रहे हैं। हमका दोनों भाई का झूठ बोलत बोलत मजे। बोलोगे बेटे, अगर नहीं बोलोगे तो कसम पैदा करने वाले की ऐसा पिछवाड़ा में ठोकेंगे साले कि जिंदगियां छर हो जाएगी, समझे ना? बड़ा आदमी कब बने? बना रहे धीरे धीरे बड़ा आदमी बना रहे। चिंता क्यों करते हो? केवल हमारे बताए हुए रास्ते पर चलते रहो। चल रहा हूं। ठीक है, और अगर नहीं चले तो वही हाल करूंगा जो सबका हो रहा है, समझे ना? और सुन, उस हसीना और आकाश बाबू में भाई बहन का प्यार है। अब देख हम नवी राजनीति क्या करने जा रहे हैं। कसम पैदा करने वाले की, जब तक हसीना को आकाश के हाथों से पिटवाया ना और उस साले सर्वर को कैद ना करवाया, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। आ हमने आज कितने दिन हो गए आकाश भैया मेरे घर नहीं आए, न तो कोई हाल खबर। अबू जान भी कितने दिन हो गए, उनकी भी हाल खबर नहीं दरबार से मिली। हर महबूब खुदा कमली वाले साहिल पे इनायत कर देना। महबूब खुदा कमली वाले साहिल पे इनायत कर देना। दुनिया की झोली भर जाए, जब दुनिया की झोली भर जाए तो मेरी भी झोली भर देना। जब दुनिया की Yeah.
आकाश भैया इतना नाराज हो, और क्यों इतना नाराज हो मेरे भाई जान? क्यों इतना नाराज हो मेरे भाई जान? और बापू भैया बापू भैया आप की कैद हो जान, बापू भैया और मुझे आज सच सच बता तू हसीना, आज सच बता तू हसीना, आज बाहे कहाँ सरवर कमीना, नहीं तुझको जिंदा छोड़ूं अभी, तुझको जिंदा छोड़ूं अभी मैं, और जितना मैं पूछूं तू सच सच बता, देखो किस तरह तुम्हें फुसला रही कि तू इतना नाराज हो मेरे भाई। वही सच जो कुछ है मैंने बताया, वही सच है, सच है जो कुछ है मैंने बताया, और नहीं सरवर भाई तो घर में छुपाया, झूठी बोलूं आकाश भैया, नहीं झूठी बोलूं आकाश भैया, और सताई बहन को अभी ना सताओ, सताई सच बता दीजिए, बना छोड़ू बचूंगा संसार में, बना छोड़ू बचूंगा न संसार में, कहां पर मुझे सब बया कीजिए, बता वो दरिंदा कहां पर छिपा हुआ है? मैं नहीं जानती भैया, मैं तुम्हारी कसम खा के कहती भैया मैं नहीं जानती, मेरी कसम खा कर कहती हराम शादी मैं तुझे जीवित नहीं, तो फेरो आकाश ये क्या तजब कर रहे, फेरो मेरा कहा
इसकी क्या खता है? आपने इससे पूछा, जो इसके मन में आया वो बता दिया, लेकिन इसे इसका कत्ल करने से वो सर्वर तुम्हें मिल तो नहीं जाएगा। अब हम उसे ढूंढ निकालेंगे। आप मेरे साथ सीढ़ा। आज तो मैं जा रहा हूं, लेकिन इतना जरूर याद रखना कि जब भी वो घर आए तो हमें तक जरूर खबर पहुंचाना, अन्यथा जीवित नहीं छोड़ूंगा। देखा हसीना बिटिया, कितना गद्दार है साला। हर साल इसके हाथों में राखी का धागा बांधती थी आप। चाचा जी, अपने सर्वर भाई से ज्यादा इसे प्यार करती थी, मानती थी, लेकिन आज भाई बहन का नाता, अरे भाई बहन का नाता, अरे भाई बहन का नाता देखा। अरे हम कहते हैं तुम्हारे मुसलमान में तो फिर भी एकता है, लेकिन हमारे हिंदू में बिल्कुल छला एकता नहीं। चाचा जी एक काम करना भी, कौन जब तुम्हारा भाई सर्वर आए तो तुम आकाश को खबर मत देना, नहीं तो वो गुस्से में है और उसे मार देगा। जैसे ही तुम्हारा भाई घर आता है फौरन मुझे इतला देना, ताकि हम आकाश को समझा बुझा के मामले को दबा देंगे। ठीक है जी, अब ये भाई भाई का प्यार खत्म कर दो यहीं से। हमने तो सब कुछ खत्म कर दिया, तुम भी खत्म कर दिया, नहीं जिंदगी झंड हो जाएगी। नहीं चाचा जी। ठीक है, हे काश भाई अपने सगे भाई के हाथों में राखी नहीं बांधती थी जब तक आप नहीं आ जाती थी। अरे आज परसों से जिन हाथों में मैंने राखी बांधी आज वही हाथ मेरे ऊपर उठे। अरे तुम तो कह रहे थे कि मेरी बहन की जिस वक्त बारात आएगी हम दोनों हाथ दोनों भाई दहना कंधा लगाएंगे। दहना कंधा क्या लगाओगे? आज जिन जिन हाथों से डोली उठाना था उन्हीं हाथों मेरे ऊपर उठ गए। लोग यही कहते हैं कि अपना गम गम दूसरे की गम कहानी, हरी अपना खून खून दूसरे का खून पानी। आज अगर यही जानती तो अपने सगे भाई के हाथों में राखी बांधती, अपने भाई को भाई मानती, आज गैर को रही भाई मानती। हे चंदा, हमारा भाई जहां हो सलामत हो, या मेरे खुदा मेरे भाई की रक्षा करना। चंदा रे मेरे भैया से कहे ना, ओ मेरे दीरन से कहे ना बहना या।